जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजमार्ग सलाम है, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एसएससी जीटी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18/11/2021 का, इसका पूछा हुआ शिफ्ट थर्ड का। ठीक है दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और जो भी कमियाँ दिखे उसे आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देख लिए थे 11 तक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न 12 क्या कर रहा है? पी किसी कार्य के एक तिहाई भाग को 6 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यू की कितने रुपये मिलेंगे? देखिए दो व्यक्ति हैं पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। ठीक है, पी एक तिहाई भाग किसी काम का एक तिहाई भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में। पी किसी कार्य के टोटल कार्य एक हो, देखिए भाग की चर्चा किस पर करते हैं? एक पर। भाग की चर्चा हमेशा एक पर किया जाता है और परसेंट की चर्चा 100 पर। तो भाग की चर्चा टोटल भाग एक है, तब एक तिहाई भाग करता 6 दिन में, तो और टोटल एक भाग काम करेगा कितना? टोटल एक भाग काम करेगा पी, एक भाग काम करेगा 6 गुने इस 1/3 है, तो पलट के गुना हो जाएगा 3/1, यानी टोटल 18 दिन में। पी टोटल काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। ठीक है, उसी तरह क्यू किसी कार्य का 1/4 भाग करता है 9 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? एक उस पलट के गुना हो जाएगा तो 36 दिन में। एक टोटल काम करेगा 18 दिन में, बी उसी काम को और 36 दिन में पूरा करता है। यहाँ इसको हम टोटल काम क्षमता निकालने के लिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 18/36 का रेशियो कितना है? एलसीएम निकाल लेते हैं। 18/36 का एलसीएम कितना आ गया? 36। एलसीएम मेरा आ गया 36, क्षमता 2, 1। ये मेरा दिन की संख्या है, दिन की संख्या है, ये मेरा क्षमता हो गया, क्षमता एक टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क है मतलब टोटल काम। टोटल काम मान लें कि मेरा 36 है, तो ए 18 दिन में करता है, सॉरी पी 18 दिन में करता है, यानी पी 2 की क्षमता से काम करता है, यानी पी 1 दिन में 2 काम करता है। क्यू 36 दिन में काम करता है, यानी इसका क्षमता कितना है? 1। क्यू की क्षमता 1 है, पी की क्षमता 2 है। देखिए और कोई भी राशि दिया है, राशि टोटल कितना मिला है इसको? 210 रुपया। जो भी राशि दिया हो तो जो क्षमता है उसके उसमें हम बांट देते हैं। टोटल में क्षमता कितना है? देखिए जिस क्षमता से काम कर रहा है, टोटल तो काम समान करना है, जिस क्षमता से काम करेगा हम धन को उसी रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो 2 1 3 टोटल क्षमता कितना हो गया? 3। 3 रेशियो का मान कितना आएगा? 210 रुपये, 3 से काटा 71 एक रेशियो का मान आएगा 70। देखिए जिसका क्षमता जिसका राशि पूछ रहा है तो उसके जो उसका क्षमता है उसके गुना कर दीजिए। एक रेशो का मान गया 70, पूछ रहा किसका? क्यू का पूछ रहा, क्यू का कितना मिलेगा? तो क्यू की क्षमता कितना है? 1, यानी इसमें 1 से गुना करेंगे टोटल में कितना आएगा? 70 रुपया। क्यू का कितना मिलेगा? 70 रुपया। और ये पूछता कि पी के कितना मिलेगा, तो पी की क्षमता कितना है? 2। एक रेशो का मान आएगा 70, तो 2 रेशो का मान कितना आएगा? 140। पी को मिलेगा 140, क्यू को मिलेगा 70 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्यू को पूछ रहा तो क्यू को निकल गया 70 रुपये। देखते हैं 13 नंबर। देखिए प्रश्न 13 का कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 180 रुपये है, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत यह 180 रुपये, 180। 3 संख्या को दिया 80, तो टोटल संख्या मेरा कितना हो जाएगा?
जब औसत दिया है जितना संख्या का दिया है उसे गुना कर देंगे, तो तीन संख्या का दिया है तो इस तीन से गुना करेंगे तो 18 54 540 रुपये, रुपये नहीं दिया है 540 है। तीन संख्या का औसत दिया है 180, तो मैं टोटल तीनों का योग कितना जाएगा 540। अब कह रहा है कि तीनों संख्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन संख्या है, संख्या तो मालूम नहीं है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के एक तिहाई से 10 अधिक है, तीसरी संख्या मान तीसरी संख्या मालूम नहीं, तीसरी संख्या एक से मान लिए, तो पहली संख्या तीसरी संख्या एक से मान लिए, तो इसका एक तिहाई से 10 अधिक है, यानी बराबर हो जाएगा इसका। तो इसको हल करते हैं, x x/3 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 10 है, तो x-10। और यहाँ हल करते हैं तो x बराबर इस तरफ भागा में है तो इस तरफ गुना हो जाएगा 3x-10। ठीक है, तो पहली संख्या गुना में है, पहली संख्या एक से थी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों बराबर है, तीसरी संख्या तो एक और तीन का रेशियो में तीन निकाल लेते हैं, तीन कितना है 3x-10 / x। जब इस तरफ गुना में है, देखिए पहली संख्या था और तीसरी संख्या था, इसको हम बटा में लिए तो इस तरफ ये बटा में चला गया, ये मेरा थी जो तीन है, तीन का इधर बटा में आएगा तो ये एक का मान निकल गया, तीन का मान निकल गया, तो ये और तीन का मान मेरा निकल गया है, ये और तीन का मान निकल गया है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी संख्या इससे 5 अधिक है, दूसरी संख्या प्रश्न का और दूसरी संख्या से 5 कम है, जो तीसरी संख्या कम एक से माने हैं तो दूसरी संख्या से 5 कम है, यानी जो दूसरी संख्या है, देखिए पहली संख्या कितना आएगा 3x-10, दूसरी संख्या इससे 5, देखिए दूसरी संख्या से तीसरी संख्या 5 कम है तो इससे 5 अधिक होगा, तो दूसरी संख्या में कितना आएगा x+5, और तीसरी संख्या में कितना माना था x, तीसरी संख्या x हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीनों मेरा संख्या निकल गया। जब तीनों संख्याओं निकल गया तो हम तीनों को जोड़ करते हैं, योग करते हैं, और तीनों संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आएगा 3x-30 + x+5 + x, तीनों संख्या जोड़ रहे, तीनों संख्याओं का योग फल कितना आया है 540। यहाँ जोड़ते हैं 3 × 5x 5 × 25 तो इस -30 है +5 यानी माइनस का 25 है 540 और इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा तो 25, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 5x के बराबर कितना आ जाएगा 565 x का मान निकल जाएगा 1 1 3 5 15, मतलब कि x का मान मेरा निकलेगा 113। पूछ रहा है किसका मान तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हम क्या माना था x है, तो मेरा x का मान कितना निकलेगा 113, तो यानी ऑप्शन आंसर आ गया 113, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं 14 नंबर। जी प्रश्न 14 का कह रहा है, एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है, 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए इस स्थिति को संतुष्ट करता है। देखिए संख्या को, एक संख्या है जो एक से बड़ा हो और 500 से छोटा हो, एक संख्या कोई संख्या है एक से तो बड़ा हो
एक से बड़ा हो और 500 से छोटा हो, 500 से छोटा हो। ठीक है, इस संख्या का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि चार चार पाँच और छः से कटना चाहिए, चार पाँच और छः से कटने के बाद शेषफल तीन आता हो, शेषफल तीन आता हो। तो इस देखिए पहले शेषफल को छोड़ते हैं, पहले इसको, पहले इसको लेते हैं। एक ऐसे संख्या को ज्ञात करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, छः पाँच चार पाँच और छः का एलसीएम 30, और एलसीएम मेरा 30 आ गया, और जो भी इसका गुणज होगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो मेरा संख्या चलेगा। तो संख्या क्या कर रहा है, 500 से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 500 से छोटा हो। तो या तो इससे इससे भी कर सकते हैं, तीन को हम बाद में लेंगे, पहले इसका देखते हैं। 500 संख्या मेरा, मान लीजिए मेरा सबसे बड़ा संख्या 500 है, इसे हम 30 से डिवाइड करते हैं, 30 तेरह 16 48, ये 16 इसका नज़दीक आ रहा है, 16 इसे कम आ रहा है, या जो भी संख्या होगा इसका 16 गुणज होगा, 16 गुणज होगा तो 16 से गुना होगा, और गुना करते हैं तो 16 48 480 संख्या है जो इससे जो 4 5 6 तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि तीन से स्पर बचाना चाहिए, और 480 संख्या है और इससे हम तीन जोड़ देंगे तो मेरा कटने के बाद तीन से स्पर बचेगा, तो संख्या कितना आ जाएगा, 483 जो संख्या है जो 500 से सबसे छो, देखिए सबसे बड़ी संख्या है, 500 से छोटा होना चाहिए। तो 483 संख्या है जो जैसे 4 5 और 6 से कटने पर शेषफल 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कितना कितना दिया है, ए बी सी डी, ऑप्शन चार ऑप्शन है, 483 484 486 484 484 संख्या कह रहा है कितना, 4 5 6 इसे कटना चाहिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। या तो आप इसे गुना करके चेक करिए और सबसे इसका नज़दीक जाइए। ठीक है, एक तो और तरीका है, ना तो ऑप्शन से हल कीजिएगा। देखिए शेषफल तीन बच रहा है, इसका जो इसका गुणज होगा उसमें 3 हम जोड़ देंगे तो मेरा संख्या चलेगा। अब कह रहा है देखिए, और कोई संख्या जो दिया है उसमें हम 3 घटाएंगे तो मेरा 30 से कटेगा। कोई भी संख्या जो दिया है आंसर में दिया हो तो, और उसमें हम 3 घटाएंगे तो मेरा 30 से कटना चाहिए, यानी जो लास्ट में 0 है तो उसका लास्ट में 0 आना चाहिए। देखिए इसमें 3 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 490। ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, पहले 0 से तो कट जाएगा, ये कन्फर्म होगा 0 से कटेगा, और फिर 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। देखिए अब देखिए 483 में हमने 3 घटाते हैं तो कितना आया, 480 0 है तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा, 16 48 यानी कट रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए और 486 है तो इसमें 3 घटाएंगे तो यूनिट थी जो यूनिट से 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है तो 3 तो 0 से कटेगा नहीं, ये मेरा नहीं होगा। लास्ट में 4 है, इकाई अंक 4 है, और इसमें 3 घटाएंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, हमको इकाई अंक चाहिए 0, तो 0 तो होगा नहीं, 0 इसमें नहीं हो रहा, ये मेरा कैंसिल है। तो ऑप्शन भी, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर। ये 15 का कह रहा है, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सारे हुए हैं, तो अच्छे फलों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए संतरा का संख्या कितना है, 600,
600। केला कितना खरीदा है? 400। अब कह रहा है इससे 18% सड़ गया, सॉरी 30% सड़ गया संतरा, 30% सड़ा है और केला 18% सड़ा है। देखिए टोटल में संख्या, संतरा की संख्या है 600, केला की संख्या है 400, केला की संख्या है 400, इसमें 30% सड़ गया है, इसमें 18% सड़ गया है। तो या तो इसका 30% निकाल लीजिए, इसका 18% निकाल कर इसको घटा दीजिए, घटा कर जो जो बचेगा शेष उसे जोड़ दीजिए, जोड़ देना पर मेरा मान चलेगा उसका फिर भी उसका परसेंट निकालना है कितना भाग कितना परसेंट है। ठीक है, एक तो वो तरीका है। या तो इसका 30% सारा है तो बचा हुआ कितना है 70%, या 18% सारा है तो बचा है कितना 82%। दोनों को परसेंट निकाल कर और दोनों को इसका 70% निकालिए, इसका 82% निकालिए, उसे जितना मानेगा उसे जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर इसका अंतर निकाल कर इसी परसेंट निकालिए कितना है। ये तो वो तरीका है। उसका पहले हम देखिए इसको रेशियो से देखते हैं। संख्या 600 400, और इसको रेशियो मान निकलते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना है 3 3:2 3:2। अब पूछ रहा है परसेंट प्रॉफिट, सॉरी कितना परसेंट बचा हुआ है। देखिए संतरा 30% सारा है तो बचा कितना 70% सही होगा। ये मेरा 18% सर गया है तो बचा है कितना 82%। 18 और केला मेरा 400 है तो इसमें 18% सर गया है तो बचा कितना 82% यानी 82% सही है। तो इसे देखिए रेशियो मेरा कितना है 3:2 इस रेशियो में है, तो इसको हम तुलना करते देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा टोटल परसेंट 70% है, 70% सर गए हैं, सॉरी 70% मेरा सही है, 70% हम मान लें कि मेरा सही है। तो देखिए ये मेरा 70% हो गया तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, दोनों का मान अंतर निकालेंगे तो ये तो मेरा 70% है। ठीक है, अब देखिए 70% कितना अधिक है 12, इसको कितना 12 अधिक है तो संख्या कितना है 2, यानी कितना टोटल अधिक कितना होगा 24% अधिक हो गया है। देखिए 70% हम मान लें कि मेरा 70% है सही है, 70% तो इसमें अंतर कुछ नहीं तो 0 है। अब 70 से कितना अधिक है 12, संख्या ऊपर 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 12 दुनी 24% अधिक हो रहा है, 24% अधिक हो रहा है, हम माने 70% अधिक हो रहा है 24%, तो संख्या कितना है 5। टोटल संख्या में बांटेंगे, देखिए टोटल हम इस यहाँ से गुना कर देंगे तो ये हमारा अधिक हो गया, 24% अधिक हो रहा है। संख्या में हमको टोटल मान निकला है, टोटल में कितना चीज सही है। ठीक है, तो टोटल मेरा संख्या कितना है 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा संख्या थी निकल जाएगा 5×20 8×40, यानी 4.8% अधिक है। जो माने हैं उससे कितना अधिक है 4.8 है, तब कितना हो गया 74.8%, जो संतरा और केला है उसे सही है। ठीक है, 74.8%। ऑप्शन नंबर 15 का ये, ठीक है, देखते हैं 16 नंबर। देखिए प्रश्न 16 का कह रहा है, एक विक्रेता ने 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपये में 6 की दर से बेची, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ वस्तु है, कैंडी है, एक कैंडी है तो 20 रुपये में 12 खरीदता है, 20 रुपये में 12 खरीदता है और 12 खरीदता है और 12 रुपये में 6 बेच देता है, रुपये हो गया, रुपये संख्या हो गया, संख्या। संख्या की संख्या हो गया, संख्या हो गया 20 रुपये में कितना खरीदता है 12, बेच रहा है कितना
12 रुपये में 6 बेच रहा है, 12 रुपये में 6 बेच रहा है। तो एक तो एक तरीका है, हम संख्या को हम बराबर कर दें तो मेरा जो लाभ या हानि है वो निकल जाएगा। देखिए यहाँ 6, 12 खरीद रहे हैं और यहाँ 12 बेचे हैं तो मेरा संख्या तो बराबर हो जाएगा। तब संख्या बराबर करने के लिए इसमें 2 गुना करते हैं, इसमें भी 2 गुना करेंगे, कितना आया 12, 24। कोई वस्तु 20 रुपये में हम 12 लाते हैं, कोई वस्तु 20 रुपये में हम 12 लाते हैं, तो 12 संख्या, अब संख्या तो मेरा बराबर हो गया, तब 12 बेच रहे हैं कितने में, 24 में। 20 रुपये हम 12 लिए हैं और 12 वह 12 वस्तु को बेच दिए कितने में, 24 में, तो हमको लाभ कितना हुआ है। पर हम 20 रुपये लगा रहे थे पूंजी और अब आ रहा है 24 रुपये में, तो मुनाफा हो रहा है ना, तो मुनाफा कितना हो रहा है, 4 रुपये में 4। 20 रुपये में हम 12 वस्तु खरीदे, 20 रुपये में 12 कैंडी खरीदे, अब 12 कैंडल, अब दोनों कैंडी तो समान हो गया, मेरा संख्या मेरा समान हो गया, अब 12 कैंडी बेच रहे कितने में, 24 रुपये में। तो देखिए ये मेरा सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया 20, एसपी कितना हो गया 24। है मुनाफा हो रहा है कि हानि हो रहा है, हम 20 रुपये में लिया रहे हैं, बेच रहे हैं 24 में, तब मुनाफा हो रहा है कितना का, 4 का, यानी 4 रुपये का मुनाफा हो रहा है। कि अब परसेंटेज निकलने क्या करते हैं, जो लाभ हुआ वो बटा सीपी, प्रॉफिट बटा सीपी कितना है 20 × 100, इसका करते हैं कितना, 5×5 = 20, यानी 20% का हमका प्रॉफिट होगा, 20% के प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 20% लाभ ए, ठीक है। देखते हैं 17 नंबर। देखिए प्रश्न 17 का अगर है, यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, वाई और जेड उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जेड और एक्स उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में। एक्स वाई मिलते कितना दिन में काम करता है, 10 दिनों में। वाई और जेड मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। जेड और एक्स उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में। देखिए इधर दिन की संख्या निकल गया, एक्स और वाई करता है 10 दिन में, वाई और जेड करता है 12 दिन में, और जेड और एक्स करता है 15 दिन में। तो इसके लिए हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क निकाले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले गए, तो एलसीएम कितना गया 60, 10, 12, 15 का एलसीएम ले तो आएगा 60 है। अब इसको क्षमता निकालते, ये मेरा दिन हो गया, दिन ये टोटल वर्क हो गया, टोटल काम, ये मेरा क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया 10, तो ये 6 बार में जाएगा, इसको भागा कर देंगे तो 12×5 = 60 और 15×6 = 60। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्षमता यह है। देखिए तो यहाँ इसको हम ऐड कर, टोटल क्षमता को ऐड करते हैं, कितना आया 10 × 5 = 15, क्षमता आ गया मेरा टोटल 15। यहाँ व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, देखिए एक्स यहाँ भी है यहाँ भी, 2 हो गया, वाई 1 और 1 2, जेड और जेड है 2, मतलब सभी 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम 2 पहले कॉमन ले लिए, बचा कितना x + y + z, कि अब कितना इसका क्षमता कितना है 15। 2 × x, 2 × y, 2 × z को ले लेंगे तो इसका क्षमता है 15, तो हम 2 को यहाँ से काटते हैं तो कितना है 7.5 आएगा, हम 7.5 या 15/2 भी लिख सकते हैं, तो x + y + z तीनों का क्षमता कितना हो गया 15/2। देखिए अब पूछ रहा कि x कितने दिन में करेंगे, तो मेरा x, y और z का क्षमता आ गया 15/2, तीनों की क्षमता मेरा आ गया टोटल 15/2, हम इसमें वाई और जेड का मान घटा देंगे, वाई और जेड का मान कितना है 5, तो इसका मान हम इसका क्षमता घटा देंगे तो मेरा एक्स का क्षमता आ जाएगा। देखिए जिस क्षमता से वो टोटल काम करेगा उतने ही दिन लगेगा, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड का टोटल क्षमता कितना है 15/2, और इसमें हम वाई और जेड का मान घटाते हैं तो वाई और जेड का मान कितना है 5,
पाँच, तो कितना होगा 15 माइनस 10 बट्टा 2 यानी 5 बटा 2 मेरा क्या आया है एक्स का क्षमता है, मेरा एक्स का क्षमता क्या है 5 बटा 2। देखिए टोटल मेरा काम कितना करना है 60, टोटल काम 60 है और एक दिन में अढ़ाई काम कर रहा है, एक दिन में 5 बटा 2 काम कर रहा है, 5 बटा 2 काम कर रहा है, टोटल काम करना 60 है, एक दिन में कर रहा है 5 बटा 2 काम। देखिए बट्टा में 2 है तो इस ऊपर आकर गुना हो जाएगा 2, तो 12 पचे 60 यानी 24, 12 दूनी 24, 6 से टोटल काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।